जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने दुनिया का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का सबसे फंडामेंटल लॉ दिया था, इसका नाम था ओम्स लॉ। अब उन्होंने बताया क्या था, वो एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे और जिस लैब में वो काम कर रहे थे वहां कुछ फिजिक्स के इक्विपमेंट पड़े हुए थे। उस फिजिक्स के इक्विपमेंट से उन्होंने एक सर्किट बनाया जिसके अंदर एक बल्ब रखा और एक बैटरी रखा। उस बैटरी का वोल्टेज था 1.5 वोल्ट, बल्ब का ग्लो देखा तो कम था। तो उन्होंने क्या किया, बैटरी को चेंज किया और एक बार 3 वोल्ट का बैटरी रखा तो देखा बल्ब का ग्लो बढ़ गया। उन्होंने बहुत ही लॉजिकली एक स्टेटमेंट बोला कि अगर मैं बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो बढ़ रहा होगा, क्योंकि बल्ब तो सेम ही है लेकिन उसमें ग्लो बढ़ रहा है। अगर ग्लो बढ़ रहा है मतलब करंट का फ्लो बढ़ रहा है। जहां उन्होंने रिलेशन ड्राइव किया दैट वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस फंडामेंटल लॉ को कहा गया था ओम्स लॉ, जिसकी डिस्कवरी हुई थी 1827 के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंवॉल्विंग। आई एम आकाश त्यागी फ्रॉम आईआईटी बैंगलोर साइनिंग ऑफ।